चार दिशाएं हैं और ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता कि किस दिशा की ओर पायर करके सोना चाहिए और किस दिशा की ओर नहीं। किस दिशा की ओर पायर करके सोने से हानि होती है और किस दिशा की ओर पायर करके सोने से लाभ होता है, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। साथियों, निद्रा हमारे जीवन का एक अंग है, हिस्सा है, और काम की थकान के बाद रात में हर इंसान को सोना पड़ता है। अब सोने का सही तरीका क्या होना चाहिए, किस दिशा में आपके पैर होने चाहिए सोते समय, इस वीडियो में बताते हैं। दक्षिण दिशा की ओर कभी भी पायर करके सोना नहीं चाहिए। और कौन सी दिशा है? लोग कहते हैं दक्षिण दिशा की ओर पायर करके ना सोए, बाकी आप सारी दिशाओं में पायर करके सो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ दो दिशाओं की ओर पायर करके नहीं सोना चाहिए, नहीं तो हानि होती है। और कौन सी वो दो दिशाएं हैं जिनकी तरफ पायर करके सोने से लाभ होता है, ध्यान से वीडियो अंत तक देखें। साथियों, पहली बात, दक्षिण दिशा की ओर पायर करके नहीं सोना चाहिए। जो भी व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर पायर करके सोता है, पहली चीज, बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। खराब दिशा है, इसलिए चुंबक बल ज्यादा है जो शरीर के लिए हानिकारक होती है। जो भी जातक दक्षिण की ओर पायर करके सोने सोते हैं, ये सोचो वो रोज थोड़ा थोड़ा करके मरते हैं, मृत्यु भी होती है। हृदय रोग होता है, अचानक हृदय में, क्योंकि चुंबक बल ज्यादा है, आपके शरीर में चुंबक खिंचाव लेता है, तो ऐसे में बॉडी में तीव्रता बढ़ती है। दक्षिण की ओर पायर करके नहीं सोना चाहिए, गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, असाध्य बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और बुरे बुरे खराब स्वप्न पड़ते हैं। निगेटिव एनर्जी बॉडी में बढ़ती जाती है, वो शरीर मानसिक हो या शारीरिक हो, हानिकारक है। दूसरी दिशा कौन सी है जिधर पायर करके नहीं सोना चाहिए, लेकिन बहुत से विद्वान बोलते हैं पायर करके सो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना अपना मानना है कि पश्चिम दिशा की ओर भी पायर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो शनि की दिशा है। पश्चिम की दिशा शनि की है और जो भी व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर पायर करके सोता है, सुबह उठने के बाद उसको फ्रेशनेस महसूस नहीं होती, ऐसा लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई और सर में दर्द बना रहता है, इसलिए पश्चिम दिशा की भी ओर पायर करके नहीं सोना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर पायर करके यदि आप सोते हैं, तो उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। अब ऐसे में उत्तर दिशा में जो पायर करके सोता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। दक्षिण की ओर सिर करके उत्तर की ओर पायर करके सोना शुभ माना गया है। अब आपको बताते हैं सबसे ज्यादा शुभ और सर्वश्रेष्ठ कौन सी दिशा है। पूरब की तरफ पायर करके यदि आप सोते हैं, तो यह सर्वश्रेष्ठ और सर्वशुभ दिशा है। लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि पूरब की दिशा की ओर पायर करके नहीं सोना चाहिए, इससे सूर्य देव का अपमान होता है, यह भी बात सत्य है। लेकिन यदि आप पूरब दिशा की ओर पायर करके सोते हैं, तो आप यह पाएंगे कि आपका शरीर धीरे धीरे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। यदि आप बीमार भी हैं और पूरब की तरफ पायर करके सोते हैं, तो आपके शरीर निरोगी रहेगा, जब सुबह जागेंगे प्रातः काल तो फ्रेशनेस रहेगी और आपकी आपका मन हो या तन हो सब एक्टिव रहेगा, एक्टिवनेस बहुत आएगी अगर पूरब की तरफ पायर करके सोएंगे। लेकिन शर्त एक है,
चूंकि विद्वानों का मानना है कि पूरब की तरफ पायर करके सोने से सूर्य देव का अपमान होता है, इसलिए कोशिश यह करें यदि पूरब की तरफ पायर करके सोते हैं तो मान सम्मान प्रतिष्ठा धन दौलत सब कुछ आपके पास आएगा। लेकिन बस एक बात का याद रखें, पूरब की तरफ अगर पायर करके सोएं तो सूर्य उदय के पहले उठे ताकि सूर्य देवता का अपमान ना होने पाए। वीडियो पसंद आई हो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।